औद्योगिक नगरी पीथमपुर में महाराणा प्रताप बस स्टैंड पर आज भोपाल से सीएम शिवराज सिंह चौहान के लाइव प्रसारण के साथ पीथमपुर नगर पालिका क्षेत्र में भी दीनदयाल रसोई योजना का तृतीय चरण की शुरुआत की गई है। वहीं साथ ही आवासहीनों को निःशुल्क पट्टा वितरण कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस रसोई योजना के अंतर्गत 5 रुपए थाली भोजन लोगों को प्राप्त होगा। वहीं सभा को संबोधित करते हुए विधायक प्रतिनिधि सुभाष जायसवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव के तहत गरीब के कल्याण के लिए जो योजना चलाई जा रही है उसका आज गरीबों को जमीनी स्तर पर लाभ मिल रहा है। वहीं प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री भू आवास योजना के तहत आज नगर पालिका क्षेत्र में 85 हितग्राहियों को पट्टे आवंटित कर मालिकाना हक प्रदान किया गया। वहीं नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि ने कहा कि सरकार की हितग्राही योजनाओं का लाभ आज 85 परिवारों को मिला है, परंतु यह नगर पालिका क्षेत्र के लिए बहुत कम है। पीथमपुर से संजय सोनगरा की रिपोर्ट। जी बताया, आज ये योजना कार्यक्रम आज नगर पालिका परिषद पीथमपुर ने दीनदयाल रसोई योजना जो 5 रुपए में आम पब्लिक को मिलेगी, खाना मिलेगा, और पट्टा वितरण कार्यक्रम हुआ। लगभग 100 पट्टे वितरण किए गए हैं, बाकी जो पट्टे रह गए हैं उन लोगों को भी हम कलेक्टर महोदय से निवेदन करके और सर्वे करवा कर सर्वे टीम के द्वारा सारे पट्टे वितरण करेंगे। आम पीथमपुर की आम पब्लिक को इसके लिए बहुत बहुत शुभकामना एवं धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम सुरेश पटेल, अध्यक्ष प्रतिनिधि पीथमपुर। हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान, लोकप्रिय विधायक नीना विक्रम वर्मा जी और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की जो योजना है गरीब परिवारों को, मध्य प्रदेश सरकार की योजनाओं के द्वारा हमारा गरीब परिवार किस तरह आगे बढ़े, आज आपने देखा कि लगभग 100 गरीब परिवारों को पट्टे दिए गए और माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह जी चौहान के द्वारा पूरे मध्य प्रदेश में लगभग 70,000 परिवारों को, गरीब परिवारों को जमीन दी गई। इसके पश्चात उन परिवारों को प्रधानमंत्री आवास के द्वारा 2.5 लाख रुपए मकान बनाने के लिए दिए जाएंगे और दीनदयाल उपाध्याय रसोई की आज पीथमपुर में शुरुआत हुई। पीथमपुर एक उद्योग क्षेत्र है जहां पर गरीब मजदूर, गरीब परिवार काम करते हैं, उनको 5 रुपए में यहां पे भोजन मिलेगा। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी, विधायक नीना विक्रम वर्मा जी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं कि उनके द्वारा पीथमपुर में यह योजना चालू की गई। और एक निवेदन और करूंगा कि माननीय विधायक महोदय जी से कि पीथमपुर उद्योग क्षेत्र है, यहाँ पर कम से कम लगभग 10 दीनदयाल उपाध्याय रसोई केंद्र बने, जिससे कि गरीब परिवारों को 5 रुपए में आसानी से भोजन मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। विधायक प्रतिनिधि सुभाष जायसवाल। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।